छोको जीवन हमने सन 2000 में शुरू किया था यहाँ पर। यहाँ पर हमने बेसिकली कम तेल घी मसाले का खाना प्रिपेयर करना शुरू करा था, मारवाड़ी स्टाइल में और जैन माइथोलॉजी के हिसाब से। और बाकी बिल्कुल सात्विक फूड है, कम मिर्च मसाले का खाना है जो आदमी रोज खा सकता है। यहाँ पर आके तो सच में यार बहुत अच्छी फील आ रही है। पूरी दीवारों पे गोबर और मिट्टी का लेप किया होता है, अपने हाथों से ही इस पर राजस्थानी गेरू और खड़िया से मांडला काढ़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ताजा तरीन वीडियो में। मैं हूँ रवि और फिलहाल अभी मैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में चौको जीवन रेस्टोरेंट के बाहर। चौको जीवन विख्यात है, पॉपुलर है, फेमस है अपने मारवाड़ी भोजन के लिए। और अंदर जाके आपको जो फील मिलेगी ना राजस्थानी कल्चर की, अभी अंदर चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबको दिखाएंगे आपको यहाँ का ट्रेडिशनल परंपरागत स्वाद मारवाड़ी भोजन। एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर लेते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन है हरी पर्वत से जैसी आप दिल्ली गेट के लिए आओगे तो एक रोड गया है राजामंडी रेलवे स्टेशन के लिए। ये सीधा रोड राजामंडी रेलवे स्टेशन और पास ही में राजामंडी बाई वॉक आप राजामंडी रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे तो वहीं आपको दिख जाएगा ये चौको जीवन मारवाड़ी जैन भोजनालय। तो अभी चलते हैं अंदर और आती देखो एंट्रेंस कितना बढ़िया फील आ रही है, एकदम बढ़िया वाली यार। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का परंपरागत स्वाद। चौको जीवन हमने सन 2000 में शुरू किया था यहाँ पर। यहाँ पे हमने बेसिकली कम तेल घी मसाले का खाना प्रिपेयर करना शुरू करा था, मारवाड़ी स्टाइल में और जैन माइथोलॉजी के हिसाब से। जैन है, सात्विक है, विदाउट अनियन गार्लिक और सब चीज़ उसके अंदर ऐसी हो जो कि अपने यहाँ पनी हुई पिसी हुई होती हैं चीज़ें। और बहुत ही साफ सफाई से छने पानी से बनाने का खाने का काम होता है, उस तरह से शुरू करेगा। मेरी मदर भी उस समय तक देखती थी इसको, बाकी मेरी वाइफ इसके प्रोपराइटर है वही इसको देखती है, किचन पूरा वही रन करती है। अंदर आके जो फील मिली ना ऐसा लगा बिल्कुल राजस्थानी एकदम कल्चर है। आपकी दीवार भी देखो गोबर और मिट्टी से जी हाँ शुरू से ही राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई है। पूरी दीवारों पे गोबर और मिट्टी का लेप किया होता है, अपने हाथों से ही इस पर राजस्थानी गेरू और खड़िया से मांडला काढ़ा हुआ है। जी हाँ, तो कुछ इसके पीछे कुछ वजह है कि सर कोई आपका प्रेम है राजस्थानी? नहीं, प्रेम है, मेरी वाइफ जो प्रोपराइटर है वो राजस्थान को बिलोंग करती है, वहाँ पर सीकर के पास लगे हैं, वहीं की रहने वाली है वो। तो वो शुरू से मन में वही था और हमने पूरा इसमें गांव का कल्चर भी दिया है और राजस्थान का कल्चर भी दिया है, दोनों कल्चर को मिक्स किया है। और बाकी बिल्कुल सात्विक फूड है, कम मिर्च मसाले का खाना है जो आदमी रोज खा सकता है। जो नॉर्मल सब्जियां जो कि रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो आपको मलाई कोफ्ता पनीर और वैसे खाना ही मिलता है, यहाँ पर आपको कच्चा खाना जिसे कहते हैं कच्चा खाना, वैसी सब्जियां होंगी, हरी सब्जियां होंगी, वो सब खाने को मिलेगा। और बाकी राजस्थानी पूरा वेराइटी हमारे पास है, दाल बाटी चूरमा टिक्कड़ गट्टे की सब्जी, ग्वार की फली हमारे यहाँ स्पेशल है, ग्वार की फली वो आगरा में या पूरे कहीं पर भी नहीं मिलती है, राजस्थान में एक आध दो जगह मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी, वो स्पेशल हम लोग देते हैं। संजीव जी, यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्या चलता है? यहाँ तो मैंने देखा थाली का ज़्यादा रहता है। थाली ही हम केवल थाली ही सप्लाई करते हैं, बेसिक हमारे यहाँ चार या पांच वैरायटी की थाली है, सादा थाली, घी थाली, दाल बाटी थाली, महाराजा थाली और महारानी थाली। महारानी थाली प्रॉपर राजस्थानी थाली है जिसमें कि दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी पापड़ की सब्जी और सब राजस्थानी आइटम उसमें मिलेंगे आपको। सुबह थाली 11 बजे से लेकर शाम को 3:30-4:30 तक रहती है, 6:30 से रात को 10:30 तक हमारा डिनर, बीच में 2 घंटे बंद रहता है, बाकी 6:30 से 10:30 तक डिनर टाइम है। अभी मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ, इंटीरियर है ना अंदर का इंटीरियर, वो देखो आप, दिल खुश हो जाएगा आपको, फील आएगी बिल्कुल राजस्थानी है। देखो एकदम सुकून वाला यहाँ होता है ना, यहाँ आप दो रोटी ज़्यादा खा जाओगे, बहुत सुकून है यहाँ पर। एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया, खड़िया और गेरू से इसे देखो डेकोरेट किया गया, फर्श देखो आप इसका मिट्टी और गोबर का है, शीशे पे भी मिट्टी और गोबर का लेप है, खड़िया और गेरू है। यहाँ पर आके तो सच में यार बहुत अच्छी फील आ रही है। तो देखिए चौको जीवन, अभी मैं यहाँ का मेन्यू दिखा रहा हूँ, मेन्यू भी बहुत प्यारा है, टोटली थाली है यहाँ पर। सर ये सादा थाली है, इसमें 3 सब्जी आती है, सब्जी रोटी अनलिमिटेड है, इसमें छाछ और पापड़ आता है। सर सादा और घी सेम ही थाली होती है, इसमें घी चुपड़ी रहता है, घी घी आ जाता है। हाँ सादा में सादा रोटी, घी घी वाली में घी चुपड़ी रोटी आएगी सर। और ये दाल बाटी थाली है सर, ये 250 रुपये की है। हाँ ये दाल बाटी थाली है, ये सर महारानी थाली, ये केवल हमारे यहाँ सैटरडे संडे स्पेशल रहती है, ये पूरी राजस्थानी थाली है सर, पूरी राजस्थानी। यस, आपकी कौन सी फेवरेट है? सर मैं तो ज़्यादातर घी थाली छोटी थाली ही लेता हूँ। छोटी थाली, हाँ
क्योंकि बड़ी थाली ज़्यादा ही हो जाती है इसलिए। हाँ तो देखिए अभी हमने ऑर्डर दिया है महारानी थाली, हमारी महारानी थाली आ रही है और एक घी थाली। तो घी थाली है 220 रुपए की और महारानी थाली 320 रुपए की। रेट बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। अच्छी बात यह है कि जैन भोजनालय तो सात्विक है, लहसुन प्याज का निषेध रहता है। यहाँ पर शुद्ध सात्विक और सुपच खाना मिलेगा आपको यहाँ पर। तो देखते हैं, तो ये स्टार्टर आ गया, इसमें छाछ, इसमें पापड़, ग्वार फली, ग्वार की फली, पापड़ और छाछ। ठीक है, ये छाछ आ गई। तो ये स्टार्टर है हमारा ग्वार की फली। तो ये देखो, ये याद दिला देगी आपको राजस्थानी कल्चर की, क्योंकि ये राजस्थान का बहुत ही देसी स्वाद है, हर घरों में मिलने वाला वो स्वाद है जिसके लोग खासी दीवाने हैं। ग्वार की जो फली है फ्राई की हुई है, ये स्नैक की तरह लग रही है बिल्कुल। तो देखिए हल्का सा लाल मिर्च है और नमक है केवल और कुछ नहीं, और ऑयल में से फ्राई किया गया, तो बड़ा अच्छा सा क्रंची सा लग रहा है। इस तरह का स्नैक तो भाई फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं। तो हमारी दोनों थाली आ गई है, एक महारानी थाली है और एक घी थाली है। और देख लो, देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, प्रॉपर राजस्थानी थाली है और ये नॉर्मल काफ़ी डिमांड में रहती है यहाँ पर हमारी घी वाली थाली। और ये अपनी महारानी थाली, ये महारानी थाली है, ये खीर है, ये मिस्सी रोटी है, अच्छा मिस्सी रोटी है, गेहूँ की रोटी, सलाद चटनी, ये रायता है, सूखी सब्जी है, ये रसेदार सब्जी सर, अच्छा रसेदार। और ये है स्पेशल यहाँ की महारानी थाली, खीर है, अच्छा जी, चूरमा, चूरमा, ये दाल, कौन सी दाल है, ये दाल पंचमी दाल, अच्छा पंचमी दाल, पंचमी सर, ये सूखा सब्जी है, ये पापड़ की सब्जी है, ये रसेदार पापड़ की सब्जी है, यस पापड़ वाली राजस्थानी कल्चर पापड़, ये मसाला आलू, ये वाली कौन सी, ये सर कड़ी है, कड़ी, हाँ ये मसाला आलू, ये रायता है, ये कचूमर सलाद, हाँ, चटनी, लौंजी, और ये हमारी स्पेशल बाटी होती है, ये टिक्कड़ है, छोटा सा रोटी, बेसन की रोटी है, गेहूँ की रोटी, दो रोटी है। और रिफिल क्या क्या हो सकता है इसमें, सर सब्जियाँ रोटियाँ अनलिमिटेड हैं, आती रहेंगी, रिफिल होती रहेंगी, अच्छा इसमें कोई भी कितनी बार भी ले सकते हो, चपाती आती रहेगी, सब्जी रोटी अनलिमिटेड रहती है भैया बता रहे हैं ऐसे, और इसमें भी सब्जी रोटी अनलिमिटेड है, अच्छा थाली कोई सी लो सब्जी रोटी आपको अनलिमिटेड मिलेगी, पेट भर के मिलेगी मतलब। तो भाई जैन और मारवाड़ी भोजनालय और राजस्थानी प्लेट दिखा रहा हूँ, फुल प्लेट सात्विक भोजन है, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता यहाँ पर, जैसे देख ही रहे हो आप, इसमें भी लहसुन प्याज कोई भी थाली ले लो, पांच थाली है कोई भी थाली ले लो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा विदाउट लहसुन और प्याज। तो देखिए फिलहाल मीठे से शुरुआत करते हैं भाई, राजस्थानी थाली और शुरुआत मीठे से, ये चूरमा है, देसी घी में फ्राई किया हुआ, ऊपर से ड्राई फ्रूट है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ का चूरमा ट्राई किया था अभी और यहाँ की खीर भी, तो खीर भी बहुत बढ़िया है, मिठास बिल्कुल नॉर्मल है, लौकी की सूखी सब्जी है, तो ये सीजनेबल रहता है भैया। थाली में ये मिलेगा कि चेंज होता रहता है सर, मेन्यू सुबह शाम दोनों टाइम चेंज ही होता है, चेंज होता रहता है, अच्छा कल खाने आऊँ तो ये सब्जी सेम मिलेगी ना मेरे को, चेंज हो जाएगी, सीजनेबल सब्जी रहती है। तो दाल वाली कचौड़ी है, दाल की फिलिंग रहती है अंदर, गर्मा गर्म कचौड़ी है बिल्कुल, तो शुरुआत कचौड़ी से ही करते हैं। ये देखो अंदर, देखो दाल की फिलिंग है, पापड़ की सब्जी है, देखो राजस्थानी पापड़ की सब्जी दिखा रहा हूँ आपको, कड़ी ज़्यादा चलती है मारवाड़ी में, कड़ी ज़्यादा चलती है मारवाड़ी थाली, वो थाली होती है जिससे आप आसानी से पचा सकते हो। तो अभी कड़ी पकौड़ा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, टेस्टी है। तो अभी बाटी ट्राई करते हैं यहाँ पर, ये देखो बाटी नॉर्मल बाटी है, अंदर फिलिंग नहीं है। तो ये दाल के साथ खाता हूँ मैं, ये पंचमील दाल, सात्विक थाली बोल सकते हो आप, टेस्ट है ना बिल्कुल अलग है, एकदम नेचुरल टेस्ट आ रहा है, एकदम नेचुरल बोले तो, होती ना मसाले की तड़क बड़क वो नहीं है, सारी चीज़ों को कम ऑयल में पकाया हुआ है और ओवर स्पाइसेस नहीं है कोई भी ज़्यादा। एक्चुअल में होता क्या कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ मसालों का तड़का ज़बरदस्त रहता है, स्पाइसी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये थाली अगर मैं दिन में 3 बार भी खाऊँ ना तो ना तो मेरा पेट ख़राब होगा, ना ही मैं खाने से कभी बीमार होऊंगा, ना अपच जैसी समस्या होगी, क्योंकि सारी चीज़ें कम ऑयल में बनाई हुई है और मिठास मीठे में बिल्कुल सीमित है, मसालों का इतना यूज़ नहीं किया हुआ है,
तड़का भी ऊपर दाल में भी तड़का लगाया ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाइट एकदम। ये घी वाली थाली, इसमें भी देखो नॉर्मल रोटी है या बेसन वाली रोटी है, चावल है। महारानी थाली में आपको पुलाव मिल जाएगा, यहाँ सादा चावल है, वहाँ सब्जी बढ़ जाती है, यहाँ खीर मिली हुई है, दाल है, कढ़ी और सूखी सब्जी है, सेम वही है जो आपने उसमें खाई थी महारानी थाली में। तो फिलहाल यहाँ पर बेसन की रोटी ट्राई करते हैं हम कढ़ी के साथ, मेरी फेवरेट है कढ़ी। गाढ़ापन देखो रायते में, ऐसा लग रहा है दही में केवल बूंदी डली हुई है, हल्का सा ही मसाला होगा इसमें। रेट बहुत जेन्युइन है यहाँ पर, ये 320 रुपए की थाली है, और थाली देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। देख लो, कोई भी चीज़ आप लेते रह सकते हो, बाद में ख़त्म हो जाती है, रोटी सब्जी कुछ भी आप ले सकते हो। विदाउट लहसुन और प्याज का खाना मिलता है, जैसा घर में आप बनाते हो ना, घर में भी आप ऐसे तेज मसाले खाते होगे, पर यहाँ पर ना के बराबर मसाले हैं। भोजन तो हो गया दोस्तों, और सुपच सात्विक बिना लहसुन प्याज के भोजन है, तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग आ रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी थाली अच्छी लगी। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी थाली लो, खाना बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है, और सब नहीं है मेरे पास, शुद्ध सात्विक जैनियों वाला भोजन है। मसाले आपको लिमिटेड मिलेंगे, तड़का आपको नॉर्मल मिलेगा, स्वाद ऐसा है कि आप हमेशा आना चाहोगे यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।